अस्सलामुअलैकुम माय ड्यूर फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में मिला मुझे एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़। जब मैं सुबह उठी और जो है ना, मुझे पता चला कि मेरी कज़न्स आ रही हैं, तो यहाँ पर जो है वो सारी ग्रॉसरी थी, मतलब जो सामान वगैरह सुबह के टाइम पर लेती हैं। तो यहाँ पर मटर थे और उसके अलावा कैरेट्स वगैरह ये सब कुछ था। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो ये था कि मैं जब सुबह उठी और मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं ना पालक खाऊं और इसके साथ पराठा खाऊं। पता नहीं क्यों अक्सर ऐसा होता है कि फ्रिज में जो है वो सालन, लेफ़्ट ओवर सालन पड़े रहते हैं, लेकिन उस दिन कोई भी सालन नहीं था और मेरा दिल कर रहा था मैं पराठा खाऊं। तो खैर, कभी कभार मुंह से ऐसे बंदा सोच ही रहा होता है और वो बात पूरी हो जाती है। तो जब मेरी चाची आई हैं तो वो चहना आते हुए अपने साथ ये सालन लेके आई। तो खैर, मैंने जल्दी जल्दी से नाश्ता किया और उसके बाद जो है वो चिकन बाहर निकाल दी थी, बिरयानी बन रही थी और साथ ही साथ जो है मैक्रोनी बनाई थी। और यहाँ पे सारी वेजेस जो है वो कट हो गई हैं, मैक्रोनी मैंने बॉयल कर ली है और जब तक ये नहीं बनेगी मैं ऐसे ही उठा उठा के इसको खाती रहूँगी। अच्छा, जब मेरी चची आई थी तो वो आते हुए अपने साथ समोसे वगैरह की चीज़ें लेके आई थी, तो उस टाइम पे हमने ये समोसे वगैरह खाए। और यहाँ पे मैंने अपनी कज़िन को कहा था वीडियो बनाने के लिए, तो उसने अफेक्ट यूज़ कर लिया वीडियो बनाते हुए, लेकिन मुझे मैंने इसी तरह जो है वो ऐड कर दिया। जल्दी जल्दी से जो है वो सारा काम ख़त्म किया। और ऐसा होता है कि जब आपकी कज़न्स आती हैं तो आपको ये होता है कि हम ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करें, उनके साथ बैठें। और जब अगर नहीं भी बैठो तो वो यही बोलती हैं कि हमारे साथ बैठी नहीं, गेस्ट आए हैं और उनको टाइम देना चाहिए ये वो। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से हम खाने से फारिग हो जाते हैं और उसके बाद उनके पास बैठ जाते हैं। तो बिरयानी बन रही है, तो यहाँ पे मैं आपको एक दिन पहले का क्लिप दिखाती हूँ। ये ज़िमल वॉकर में मेरे पीछे पीछे रहती है, मैं जहाँ जाती हूँ मेरे पीछे पीछे रहती है। तो जितने भी समर्स के कपड़े थे वो सारे समेटने वाले थे और विंटर्स के कपड़े रख दिए थे, तो ये काम थोड़ा लेट हो गया था। और यहाँ पर ये कपड़े वगैरह जो है वो सेट कर रही हूँ मैं। समर्स के कपड़े जो हैं वो वापस रख रहे हैं और कबर्ड के अंदर रख रहे हैं। बहुत से लोगों ने ये काम कर लिया होगा, लास्ट मंथ में ही कर लिया होगा। और आजकल हर तरफ में यहाँ से यही चल रहा है, ये बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने किस तरह किया था कि थोड़े थोड़े पहले अपना कबर्ड साफ़ किया, फिर उसके बाद अनस का, फिर उसके बाद सिमल का। अगर आप एक ही दफ़ा सारा सामान खोल लो, और खोल तो लेता है, मतलब कि बंदा खोल लेता है कि जल्दी जल्दी से हम कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम करना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ये बेनिफिट है कि मेरे साथ जो है वो भाभी और हम दोनों मिलके कर लेती हैं, तो वो इतना फील नहीं होता। तो यहाँ पे जो है वो बिरयानी बन रही है, बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और बिरयानी रेडी हो गई है। अच्छा, बिरयानी का जो ये काम है ये मैं नहीं करती, बना लेती हूँ, लेकिन जब वो उस चावलों को दम खोलना होता है तो ये मैं नहीं करती ये काम, क्योंकि मुझसे सही से होता नहीं है। उसके बाद ही हमने खाना वगैरह खाया और थोड़ी देर बैठे बातें वगैरह की। तो सबको मैं याद करवा देती हूँ कि अगर जो जो भी मेरा व्लॉग देख रहा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और जो है वो कमेंट ज़रूर किया करें। तो मैं मैक्रोनी के ऊपर केचप डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे कहा गया था कि इसके अंदर केचप नहीं डाले, क्योंकि बच्चों ने खानी होती है तो उनका ऑलरेडी गला ख़राब था। अच्छा जी, ये मेरे मेहमान जो हैं, कज़न्स वगैरह जो हैं वो वापस आ रही थी, तो मैंने इनकी जाते हुए भी वीडियो बना ली थी। और जो है ना, वापस चले गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा होता है कि दिल अजीब होता है जब कोई जा रहा होता है ना वापस, तो दिल अजीब होता है। और ये छोटा बच्चा हमारा पीछे पीछे जा रहा है। उसके बाद जी, जब हमारे गेस्ट वगैरह चले गए थे, उसके बाद जो है फिर हमने खाना खाया, क्योंकि उस टाइम पे नहीं खाया था। उस टाइम पे मैं सिमल को सुलाने लगी थी, तो मैं बाद में खाना खाया। अच्छा, मैं जो है वो मैक्रोनी और साथ में जो है ना चावल मिक्स करके खा रही हूँ, बैतुल शवाया की तरह जो है ना। वो मुझे याद आ गई थी खाते खाते के, जब आप मैक्रोना राइस खाते हैं तो वो ही सेम टेस्ट आता है, लेकिन मेरे थोड़े ज़्यादा स्पाइसी बन गए थे। मुझे कहा गया था कि बिरयानी जो है वो थोड़ी स्पाइसी रखनी है। खाना वगैरह खाने के बाद जो है फिर हम सब ने मिलके जो है वो किचन समेटा। और ये है मेरी जान,
उसके बाद जो चाय वगैरह बन रही थी यहाँ पे, और साथ ही साथ जो है वो किचन क्लीन कर रहे थे कि अब थोड़ी देर आराम से बैठ जाएंगे। यहाँ मेरी चच्ची की हैं, इन्होंने बहुत प्यारी मेहंदी लगाई हुई थी। यहाँ पे किचन पूरा क्लीन हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी के घर में जब आपका किचन क्लीन होता है तो आपको ऐसा लगता है कि आपका 90% काम जो है वो डन है और सिर्फ 10% काम जो है वो करने वाला है। अगर इसके अंदर बर्तन पड़े हों और किचन गंदा हो तो वो ऐसा लगता है कि नहीं जी, अभी बहुत सारा काम बिखरा हुआ है और करने वाला है। तो है, अभी जाते हैं और कुछ शॉपिंग वगैरह की थी वो भी देखते हैं। और साथ ही साथ में इस दफ़ा जो चाय के साथ चीज़ें आई हैं ज़्यादातर हमारे घर में सुलेमान स्वीट और हॉट केक से आती हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है वो स्वीज़ा बेकरी से आई हैं, क्योंकि इनके अलावा जो है ना, मतलब ये चीज़ें ऑल टाइम हमारे घर पे होती हैं। तो अब इनकी चेक करते हैं कैसी हैं, लेकिन अच्छी थी। केक रस बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इसके अलावा बस सोस वो थी, नॉर्मल ये चीज़ें थी, लेकिन केक रस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और इसके बाद हम लोग बैठ गए थे चाय पीने के लिए, और मैं अपनी चाची की जो है चाय की वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं तो पी चुकी थी। और इनकी मेहंदी बहुत प्यारी लग रही है, आप भी बताइएगा कैसी लग रही है मेहंदी। और यहाँ पे विंटर्स के कपड़े जो है थोड़ी शॉपिंग की थी, तो वो हम सारे खोल के देख रहे थे और साइज़ वगैरह चेक कर रहे थे कैसे हैं साइज़। और बस इसी के साथ जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को आपने लाइक करना है, और मैं आगे भी कह चुकी हूँ। और ये सारे कपड़े थे, फिर इंशाल्लाह मैं आपको किसी और व्लॉग में दिखाऊंगी, इसमें ले आई हूँ मैं सारे। और इसी के साथ हम इंशाल्लाह आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और जिमल को बहुत शौक है इसके साथ खेलने का और वो खेल रही है। अल्लाह हाफिज़।